देख रहे हैं हिंद 24 टीवी खबर पल पल की। भदोही पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, दो अंतर्राष्ट्रीय ठप्पेबाजी लूट चोरी के अभियुक्त किए गए गिरफ्तार। मुख्य अभियुक्त ठप्पेबाजी में नेपाल से जा चुके थे जेल। ठप्पेबाजी की गई 10,08,500 रुपए को पुलिस ने कराया जब्त, 12,000 रुपए नगद हुए बरामद। एक अदद घटना में प्रयुक्त पटना से चोरी की पल्सर बाइक बरामद। अभियुक्तों के पास से दो अदद फर्जी आधार कार्ड भी बरामद। घटना में प्रयुक्त तीन अदद फर्जी नाम पता के मोबाइल, एक अदद एक्टिवेट फर्जी सिम कार्ड हुआ बरामद। अदद मोटरसाइकिल की डिग्गी तोड़ने का औजार मास्टर टी बरामद। भदोही में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, उन्होंने की बड़ी कार्रवाई। लूट चोरी करने वाले दो अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 20 दिसंबर को एक घटना घटित हुई थी थाना भदोही के अंतर्गत। एक पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं, वो पंजाब नेशनल बैंक से 2,00,000 रुपए निकाल करके अपने घर जा रहे थे। रास्ते में कुछ काम से वो पोस्ट ऑफिस में रुक गए। उन्होंने अपना जो पैसा था वो थैले में रख करके मोटरसाइकिल बाइक के अपने हैंडल में टांग करके 2 मिनट को बैंक में गए, वापस आए तो उनका थैला गायब था। इस पर थाना भदोही में मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके बाद थाना अध्यक्ष भदोही और हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने इसको लग करके पूरे रास्ते का और बैंक से जहाँ तक पैसे उन्होंने कैश लिया था बैंक से, पूरे रास्ते को ट्रैक करके जहाँ जहाँ CCTV मिले उसको फुटेज को लिया, उस फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाई किया और फिर उन व्यक्तियों को ट्रैक किया, जिसमें धीरज यादव और अमित कुमार यादव, ये जनपद कटिहार बिहार के रहने वाले हैं, बेसिकली कंजड़ जाति के, जो इस तरह के टप्पेबाजी की घटनाएं करने के लिए जाने जाते हैं। इनको गिरफ्तार किया और उनकी गिरफ्तारी के उपरांत जो है इनसे नगद कैश के रूप में 12,000 रुपये बरामद हुए और जो पैसे लूट उन्होंने गायब किए थे वो पैसे इन्होंने अपने परिजनों के अकाउंट में डाल दिए थे, जिसमें जो अमित यादव है इसकी पत्नी के खाते में 1,08,000 रुपये 21 तारीख में डिपॉजिट हुआ है और दूसरे के में भी पैसे डिपॉजिट हुए हैं, जिसको होल्ड करा दिया गया पुलिस द्वारा कि उसको पैसे कोई निकाल ना सके। इनके पजेशन से जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है वो चोरी की मोटरसाइकिल है, वो उसके संबंध में पटना में मुकदमा पंजीकृत है। इनके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है, 3 मोबाइल नंबर बरामद हुए, 3 फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। इनमें से एक जो अमित यादव धीरज कुमार यह है, ये नेपाल में भी इसी तरह के मुकदमे में बंद हो चुका है और इनके खिलाफ जो है पटना में भी इस तरह का एक मुकदमा पंजीकृत है इस तरह के अपराध में। सर, जनपद में कितने दिन से लूट टप्पेबाजी कर रहे हैं? अभी ये जल्दी से अभी इंटर हुए थे क्योंकि अगल बगल के जनपद में अभी थोड़े दिन पहले इस घटना से 3-4 दिन या 5 दिन पहले जो है सोनभद्र में घटना हुई थी। इसके संबंध में हमारे SP महोदय ने और सभी थानाध्यक्षों को सेंसिटाइज कर दिया था कि इस तरह की घटनाएं मूवमेंट हुआ है और फिर 2 दिन बाद अपने यहाँ घटना हुई थी, पर हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने और उन्होंने बहुत मेहनत से इनको ट्रैक किया और अरेस्टिंग की है। इसमें जो खास बात ये भी रही कि जिन कपड़ों में ये घटना किए थे, जिन कपड़ों में CCTVs में ये दिखे थे, उन्हीं कपड़ों में ये गिरफ्तार हुए, वही उसी कपड़ों के आधार पर इनका आइडेंटिफिकेशन हुआ था। जो इनके जो बाइक बरामद हुई है वो ऑलरेडी भी चोरी की है। इनके